बालासोर म्युनिसिपैलिटी के 5 नंबर वार्ड कादरी मोहल्ला में बीजेडी की जानिब से इंतखाबी सभा मुनाकिद किया गया। काउंसलर मीता पटनायक और समाज सेवी ऋतिक जी की निगरानी पे चल रहे इस मीटिंग में बालासोर के सदर एमएलए और इस बार फिर से बीजेडी की जानिब से एमएलए उम्मीदवार स्वरूप कुमार दास मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत कर वजीर आला नवीन पटनायक की दिगर जन कल्याण योजनाओं के बारे में लोगों को वाकिफ करवाया और कहा कि जब आप लोग 1 तारीख को वोट डालने जाएं तो नवीन पटनायक जी के कामों को याद रखते हुए अपना 2 कीमती वोट बीजेडी के निशान संघ पर ही डालें। मेहमान एजाजी के तौर पर बरमपुर जामा मस्जिद के सदर और बीजेडी अकलियती रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद फैज खान ने शामिल होकर बीजेडी पार्टी की तमाम तर खूबियों को गिनवाया और खासकर मुसलमानों के लिए हमारे वजीर आला श्री नवीन पटनायक जी कितना सोचते और करते हैं उसकी तफसीली जानकारी दी। वाजे रहे कि बरमपुर के मोहम्मद फैज खान साहब बालासोर इसलिए पहुंचे हैं कि मुसलमानों की वोट को जाये होने से बचा सके और बीजेडी उम्मीदवार स्वरूप कुमार दास और लेखा श्री सामंतो सिंगार को जिता पाए। इस मौके पर बीजेडी के यूथ लीडर रजब अली के साथ मोहल्ला के तमाम तर्जिमादार शख्सियत और सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। जो बीजेपी सरकार है आज सारे मस्जिदों में यूपी में अज़ान को बंद कर दिया गया। आप लोगों को गौर फिक्र करना है कि आज बालेश्वर की सरजमीन पर बीजेपी ने कांग्रेस वालों को पैसा दिया है खर्च करने के लिए इलेक्शन में। पता है क्यों? माइनॉरिटी वोट को जो है डिवाइड करने के लिए, सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियंस का वोट को जो है कांग्रेस को ये लोगों ने तकसीम किया है पैसा कि ये जो है वोट डिवाइड करें ताकि जो है फिर फिरका परस्त ताकत आ जाए। एक गलती हम लोगों से हो गई थी चंद साल पहले, जो कि बीजेपी के जो अभी खड़े हैं उनके वालिद साहब जो है आए थे, फिर उनके मरने के बाद बाई इलेक्शन हुआ था, तो उस बाई इलेक्शन में भी ये हकीर और फकीर इस जमीन पे आया था। उस टाइम पे हम लोगों ने काम किया था दल के तरफ से, तभी भी हम लोग कहते थे और सबको आगाह कराते थे, इल्तिजाना गुजारिश करते थे कि हम लोग का वोट जाया ना जाए, हम लोग का वोट जो है एक कौम के लिए एक ताकत बन के रहे। इसलिए आप जानते हैं कि पहले जब बीजेपी नहीं थी सेंट्रल में 400 रुपया में हम लोग गैस सिलेंडर खरीदते थे, आज गैस सिलेंडर 1100 रुपया का हो गया है। दाल चावल हर एक चीज के रेट बढ़े हैं और अभी भी मोदी आके कह रहे हैं कि मोदी गारंटी, वो एक गारंटी दिए हैं कि फिर मैं जब आऊंगा दाल 200 रुपया करूंगा, फिर दोबारा मुझे दिखाओगे सिलेंडर में 2000 रुपया करूंगा, ये लोग इनकी गारंटी है। एक तरफ नवीन जी के शासन को देखिए, एक तरफ ये फिरका परस्त शासन को देखिए कि आज सबसे बड़ी बात है उड़ीसा के सरजमीन पर हम लोग अमन और सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। और ये सब क्रेडिट जाएगा मेरे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को। आज पन्ने अनुसार घूम घूम के आप जानते हैं एक महीना सीएम ऑफिस से उनको बोला गया कि हर एक तबके के आदमियों को मस्जिद मंदिर गिरजा मदरसा जिसको जो जो तावन होना है आप पूरा जो है सर्वे करें और 1 महीने के अंदर जो पैसा उसका तय होगा पहुंचा दें। जहां जहां भी पंडियन साहब ने घूम घूम के चिट्ठा लिया था, वादा किया था कि 1 महीने के अंदर आपको पैसा मिलेगा, मिला कि नहीं बताइए। आज बालेश्वर के बहुत सारे इदारों में, मजार में, मस्जिद में, आपकी ईदगाह मस्जिद के जो सदर हैं नौशाद साहब, वो मुझे बोल रहे थे कि मैं बीजू जनता दल को ढूंढ नहीं पाऊंगा ताकि वो मेरे मस्जिद को 15 लाख रुपया दिए हैं। तो